हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है मुझे गांव में थोड़ा सा सामान भेजना है, ज़रूरी सा, तो उसी के लिए मैंने सामान रखा है निकाल के। मैंने दो चादर बिछाने को और एक कप चादर को दो ना। ये तो बल्कि सीट पर रख लेते हैं। हाँ, इसी सीट पर रख लेंगे। अरे वो भी सीट पर धर लियो और जब उसके ऊपर सामान रख लियो, ये तीनों ठीक है। मंटूला पर्दे लाइए ले पर सर। नाम लिखा तुमने तो कल को तू कहा तो सही। चल तू नाम करवा बस तू इसमें रह। करना ना पड़ दो तो अभी जो है जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो सभी मुझे रखनी है। और मेरे पास में आप लोगों को पता ही है, मैं सामान को काफ़ी सारा मतलब एक्स्ट्रा सामान है ही, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। क्योंकि वही है ना कि घर तो पूरा का पूरा तैयार करवाना ही है, जब भी मन करे अपने गांव में जा कर के रह तो लें। तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने लाइट वाइट सारा सामान जो है वो इसमें पैक कर दिया है। काफ़ी सारा सामान मतलब ऐसा है जो कि मेरे पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो मैं वहाँ पर इसको अरेंज कर दूँगी ताकि यहाँ की भी ज़रूरत पूरी हो जाए और वहाँ की भी। तो अभी और ये और भाई आया हुआ है क्योंकि उसको करना है बिजली का फिटिंग पूरे घर में, तो वो जानता है अच्छे से, पंखे वंखे लगा देगा, लाइट वाइट का सारा सब कुछ जितनी भी सेटिंग है वो कर देगा जा कर के। तो अभी ये लोग जा रहे हैं सामान लेकर के। और हाँ, मतलब गाड़ी नहीं मिली थी तो इसीलिए सारा सामान जितना भी सामान था सब कुछ ये बाइक पर लेकर के गए। दो तीन चक्कर जो हैं वो लगाए थे, तो आप लोग देख सकते हो नीचे मतलब किस किस तरीके से सामान लेकर के जा रहे हैं। थोड़ा सा सेफ भी है क्योंकि अगर खुद की गाड़ी है तो खुद की गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम गाड़ी करके जाते हैं तो उस चीज़ में थोड़ा सा रिस्क भी है इस टाइम पर। तो खुद से अपना बाइक से चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दूर तो गाँव भी नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा वो होगा, इसलिए दोनों जा रहे हैं। मेरा एक पीढ़ा रह गया था, मैंने कहा चलो एक दो मेरे पास में यहाँ पर दो हैं तो मैंने सोचा चलो एक वहाँ पर भी भिजवा देती हूँ।
भी जो है सामान चला गया है, और आज गए हैं, सामान थोड़ा सा और भी जाना है, वो सामान जाएगा बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर के जा रहे हैं, और आगे का तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिमाग ख़राब है, पर कुछ सोचा है तो अच्छा ही होगा। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि कल से ही मैं सारी जितनी भी बातें हो रही हैं बहुत ही कंफ्यूजन वाली हो रही है, कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मेरी खुद भी मतलब सारी चीज़ें ऐसी ही हो रही है कंफ्यूजन वाली ही। आप लोग क्या बताऊँ, बस मुझे कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ आप लोगों को अभी ना कि मैं परमानेंट जो है वो गांव में शिफ्ट हो रही हूँ, वो भी चीज़ें पता नहीं आगे चल करके कैसी होंगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक दो दिन के लिए जा रही हूँ, तो एक दो दिन के लिए तो मैं नहीं जा रही हूँ। अब वो सारी सारी जो भी जितनी भी स्थिति है वो सारी डिपेंड करती है मेरे वहाँ पे जाने से। वहाँ पे अब जब काम करेंगे जा करके, एक तो बिजली का फिटिंग नहीं हुआ है, बिजली का फिटिंग करना है, और जितनी भी वहाँ पे जो कच्चा है नीचे, वहाँ पे सारे में जो है वो रैक्सीन डलवानी है, टैल वैल ये सारा काम करने का ना बजट है और ना ही वो है, वो सारे में वो रैक्सीन का हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे अपने किचन का सेटअप बैठाना पड़ेगा, क्योंकि किचन की व्यवस्था वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, पानी की हो गई है। भाई इसलिए आया है क्योंकि वो सारे में जो है वो फिटिंग कर देगा, तो लाइट की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। पंखा एक ये मैंने भिजवा दिया है, एक पंखा छत वाला मैंने वहाँ पे भिजवा दिया है, दो पंखे, कूलर मेरा ऑलरेडी से वहाँ पे है, जो मेरा लोहे वाला कूलर था वो वहाँ पे है, और अंकल जी वहाँ पे जो है अभी टंकी वंकी वाले से बात कर लिया, क्योंकि वॉशरूम में और उसमें टंकी लगनी है। वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ आगे आगे शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैंने रात वीडियो जो है रोक दिया था, मैंने सोचा था सुबह मैं आप लोगों से बात करूँगी। आज मुझे जाना था पर मैं आज नहीं गई, मैं जाऊँगी कल, क्योंकि पैकिंग करनी है, कपड़े वपड़े लगाने हैं, सारी चीज़ें करनी हैं। तो मैंने फ्रिज से जो है वो मलाई भी सारी ही बिलोनी है मुझे, क्योंकि उसका घी बनाना है। फ्रिज तो बंद ही कर करके जाएंगे, और हो सकता है कि इस वीडियो में एक एक चीज़ को मैंने आप लोगों को दो या तीन बार बता दिया हो, क्योंकि ये वीडियो मेरी दो दिन की थी, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि एक एक चीज़ को कितनी कितनी बार बोल रही है। तो इसमें मैंने ठंडा पानी डाल करके अच्छे से मक्खन जो है वो निकाल दिया है, और खाने में मैंने बनाया है कढ़ी चावल बनाया, क्योंकि भाई को कढ़ी चावल काफ़ी पसंद है और जल्दी भी बन जाते हैं, मतलब चावल वावल बनाते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। घी रख दिया है बनने के लिए इसमें से, ये क्योंकि मलाई जो है ना वो ताज़ी ही थी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन की नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर मांटू को भी खाना था और गोपाल जी को भी मक्खन खिलाना था, तो उनको भी भोग लगा दिया है। आप चावल हमारे बन करके तैयार है, पहले खाना पीना खा लेते हैं, बाकी का काम देखेंगे बाद में। कुकर में मैंने चावल बनाए हैं, घी रख दिया है बनने के लिए। अभी क्या हो रहा है ना, मतलब वीडियो का मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो कैसे स्टार्ट हो रही है और कैसे नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों का वेलकम भी नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे काफ़ी हद तक सामान जो है वो चला गया है, कपड़े रह गए हैं मुझे लगाने हैं कपड़े, और हाँ कपड़े रह गए हैं, एक दो चीज़ें और रह गई हैं, एक तो हैंड ग्लैंडर रह गया था, और चक्कू दोनों ही छीलने वाला भी और चीरने वाला भी, और एक दो चीज़ें और थी जो कि अभी रह गई हैं जो मुझे रखनी है, और कपड़े पैक करने हैं, तो कपड़ों पर प्रेस व्रेस करनी है। और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक गई हूँ, अभी खाना पीना खा करके हाँ बैठी हूँ, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं और फिर लगाएंगे अपना बैग। पूरा फ्रिज भी खाली किया है, क्योंकि फ्रिज में कुछ भी सामान रख करके छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो पूरा फ्रिज मैंने खाली कर दिया है,
जो भी चीज़ें थी और जो सब्जियां थी एक्स्ट्रा सब्जियां जितनी भी थी वो मैंने जो है एक पोलोथीन में कर ली है ताकि घर जाके फिर ज़रूरत पड़ेगी। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे कि घी हो गया और पोहा है वो मैंने अभी मंगवाया था वो है, मतलब जो कच्ची चीज़ें नहीं होती हैं थोड़ी सी वो मैंने रख लिया है वहाँ भी दुकान से मंगाना। मैंने कहा जब यहाँ पे है तो लेके चलते हैं इनको। अभी तो फिलहाल का ये है, आगे का आगे देखेंगे। तो चलो अभी मैं लगा लेती हूँ अपने कपड़े। अभी जो है मैं यहाँ पर लगा रही हूँ चूड़ी अपनी, कुछ तो चूड़ियाँ जो है मैं इसी में सेट कर दूँगी, इधर उधर रखी हुई थी और कुछ चूड़ियाँ जो है मुझे लेकर के जानी है, क्योंकि वैसे तो मैं एक एक कड़ा ही पहनती हूँ पर वहाँ पर जो है थोड़ी सी मैंने सोचा जब अपनी प्लेन जो चूड़ियाँ हैं वो रख लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पर रहते थोड़ा सा वहीं के तरीके से रहना पड़ता है और जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो यहाँ के तरीके से रह लेती हूँ, जब अपने ससुराल में रहेंगे तो वहीं के तरीके से रहना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से काम में लगी पड़ी हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है क्योंकि कल भी सामान गया था और आज भी जो है सामान गया है घर पे। घर की हालत तो मैं आप लोगों को जाकर के दिखाऊंगी। और मैंने फिर यहाँ का काम देखा क्योंकि फिर भी छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी रह गई। तीन बार सामान जा चुका है और बाइक से सामान इसलिए गया है वरना एक बार में ही गाड़ी में चला जाता, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिली इस वजह से बाइक से ही सामान पहुँचा कर आना पड़ा है। बड़ी दिक्कत हो रही है और फिर तो बाद का तो फिर बाद में ही देखेंगे कैसे होगा। फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी सी चीज़ें जो हैं वो चली गई है और अभी भी टेबल पर भी सामान रखा हुआ है। ये वो सामान है जो मुझे अब लेके जाना है। सुबह में लेके गए, दो बार कल सामान लेकर के गए और अभी यहाँ पे गोपाल जी भी हैं अभी, और अभी थोड़े से कपड़े भी हैं। दो या तीन बैग मेरे जा चुके हैं कपड़ों कपड़ों के ही, और अभी फिर भी रह गए। ख़त्म नहीं होती यार चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें इतनी सारी हो जाती हैं। अभी आप लोग सोचोगे कि इतना सारा सामान फिर यहाँ क्या, अभी तो मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मैं दिल्ली से निकल के नहीं आई थी, जिसका कि मुझे पता ही नहीं चला था। हाँ, जब जिस टाइम पे मैंने दिल्ली छोड़ी थी मुझे नहीं पता था कि मैं वापस अब दिल्ली जाऊंगी ही नहीं, मेरठ ही फिर हम शिफ्ट हो गए थे। इस बार का भी कुछ नहीं कह सकती हाँ कि इस बार जा रही हूँ, उधर से आऊंगी क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीज़ें वो तो आप लोगों को व्लॉग में आगे को देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आप लोगों का ही कन्फ्यूज़न कैसे दूर करूँ जब मेरा खुद का ही नहीं है, तो आप लोगों का तो कैसे होगा। चलिए फिलहाल जो भी ये सामान रह गया है उसको रख लेते हैं, जो कपड़े रह गए हैं वो भी रख लेते हैं।